अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ कि काइन मास्टर पर एडिटिंग कैसी करनी है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पर प्रेस करना है। क्रिएट न्यू पर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिस तरह आपको नज़र आ रही है। यानी सबसे पहला नंबर 16.9 पर प्रेस करना है और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगी। जब आप गैलरी में जाओ तो वहाँ पर आपकी जो पसंदीदा वीडियो है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, वो जिस जगह पर भी है, मिसाल के तौर पर में है या कैमरा में है या दूसरे डाउनलोड में है, तो आपने उस पर प्रेस करना है। मेरी वीडियो व्हाट्सएप में पड़ी है तो मैंने व्हाट्सएप पर प्रेस किया। व्हाट्सएप पर प्रेस करने के बाद व्हाट्सएप के जितने भी वीडियोस हैं वो खुल गए मेरे सामने। अब इनमें से एक वीडियो को सेलेक्ट करके मैं उसको एडिट करूँगा। तो मैं एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट की। अब अगर मैं इस वीडियो की स्पीड को कम करना चाहता हूँ या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो स्पीड पर क्लिक करना है। यहाँ आकर आपने अगर इस वीडियो की स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है तो यहाँ पर करना है। यहाँ से कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद अगर आपने कोई म्यूज़िक लगानी है तो यहाँ आकर मेन फ्रेम में आकर आपने इस म्यूज़िक ऑडियो पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ साउंड्स है, इसको लगाना है या नहीं। अगर नहीं लगाना तो फिर आपने फोल्डर में जाना है। फोल्डर को क्लिक करके आप यहाँ पर अगर डाउनलोड है आपके पास सॉन्ग्स, तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपके जितने डाउनलोड सॉन्ग है वो खुल जाएगी। यहाँ आकर किसी सॉन्ग को आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, तो सॉन्ग आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगी। काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।